ओके हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत। आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शेफर्ड होता है, और उसके हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 से 7 यहाँ पर उसकी वाइफ होती हैं, और उन सभी से उसको एक एक बेटी होती है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो जो शेफर्ड नाम का आदमी था उसका एक भी बेटा नहीं था, और वो अपने इस पूरे ग्रुप में एक ही आदमी था। और उन्होंने सारी औरतों को एक ड्रेस कोड दे रखा था, जिनमें से जो उसकी वाइफ थी उनको रेड कलर की ड्रेस पहननी होती थी, और जो उसकी डॉटर्स थी उनको ब्लू कलर की ड्रेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इसकी वाइफ थी वो यहाँ पर इसका सारा कहना मानती थी, क्योंकि शेफर्ड ने इन सबको एक जाल से फंसा कर उनसे फिर से उसको बाहर निकाला था, और वो इसको उनकी जान के बचाने के बदले उसको एक देवता मानती थी और उसकी सारी बातों का कहा मानती थी। यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है, उस लड़की का नाम सैला होता है, और हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की जिसका नाम सैला होता है वो शेफर्ड की ही बेटी थी, और उसकी जो माँ थी वो पहले ही उसको जन्म देकर मर चुकी थी। पर दोस्तों ये जो है वो ट्रुथ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या ट्रुथ था उसकी मॉम की डेथ का। यहाँ पर जो शेफर्ड नाम का आदमी था हमें उसको एक संत के रूप में यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि आपको आगे पता पड़ेगा कि वो कैसा संत था। हमें यहाँ पर देखते हैं कि उसको बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था, और उसके ग्रुप से अलग 2 लड़कियाँ और रहती थी जो पहले उसके ग्रुप में थी पर अब नहीं थी, क्योंकि रीज़न ये था कि उनमें से एक जो लड़की थी वो वहाँ पर बीमार थी बहुत ही ज़्यादा, और जो एक लड़की थी वो उसका नाम सारा था पर उसका कसूर ये था कि उसने शेफर्ड के रूल्स मानने से मना कर दिया था और उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उस लड़की सारा को यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सैला सारा से मिलने हो गई हुई थी, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ना एक रूल था जो शेफर्ड ने बना रखा था कि किसी भी लड़की को वो यहाँ पर नहीं रह सकती जिसे पीरियड्स आते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कर्स हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सैला को अपने पहले पीरियड्स आते हैं, और वो वहाँ पर एक गुस्से में आकर एक शीप को वहाँ पर मार देती है, और वो ये सब किसी को नहीं बताती, जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, उसे बताना चाहिए था इस बारे में, पर वो ऐसा सब लोगों को इसलिए नहीं बता पाती क्योंकि उसको लगता था कि शेफर्ड उसको उस ग्रुप से बाहर निकाल देगा और उसके किसी भी बात को नहीं सुनेगा। वो इस बात से हमेशा डरती आई थी, इसलिए वो अपनी पीरियड्स की प्रॉब्लम को किसी को भी नहीं बताती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक शेफर्ड को पता नहीं पड़ा है कि सैला को यहाँ पर पीरियड्स लग चुके हैं। हम देखते हैं कि उसी रात कुछ पुलिस ऑफिसर शेफर्ड से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुमको ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो शेफर्ड रह रहा था वो यहाँ पर एक इलीगल तरीके से रह रहा था, जो कि उस जगह के कानून के हिसाब से बहुत ही गलत था। हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर शेफर्ड ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को और अपनी डॉटर्स को ये सब बातें बताता है कि पुलिस वाले आए थे कल रात को मेरे से मिलने, और वो मेरे से कहकर गए थे कि हाँ हमें यहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते। तो दोस्तों ये सब कहकर शेफर्ड अपनी वाइफ और अपनी डॉटर्स को लेकर जंगल में हाइकिंग के लिए चला जाता है एक नई जगह को ढूंढने के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्टेला को कल रात के बीती रात के बारे में सब पता होता है पर वो किसी को नहीं बताती है। सीन चेंज होता है, हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये लोग दिन में यहाँ पर एक हाइकिंग करते थे, जगह ढूंढते थे, और रात में उस जगह पर ही अपना बसेरा कर लेते थे, और अगले ही दिन होते वो वहाँ से चले जाते थे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्टेला को रात को कुछ नाइटमेयर्स आते थे जो कि शायद उसके पीरियड्स की वजह से थे, और वो अपने नाइटमेयर्स में हमेशा शेफर्ड को ही देखती थी एक विलन के रूप में। हम लोग अब देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर एक जंगल में एक घर पर आ चुके हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। तो यहाँ पर शेफर्ड कहता है कि हम लोग इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि उसके अनुसार एक संत होने के अनुसार उसे ये सब चीज़ें गलत लगती थी। अब गाइज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उन कुछ लड़कियों को स्टेला के पीरियड्स के बारे में पता पड़ गया था, और वो इस बात को शेफर्ड को बता देती हैं, और वो स्टेला को यानी कि शेफर्ड अपनी बेटी स्टेला को समझा बुझाकर सारा के पास छोड़ देता है, क्योंकि वो भी इस ग्रुप से अलग रह रही थी और स्टेला को भी इस ग्रुप से अब अलग रहना पड़ेगा उसके पीरियड्स के कारण। अब यहाँ पर स्टेला उसे कुछ सच्चाई बताती है कि जो दोस्तों यहाँ का एक सीक्रेट पॉइंट है कि यहाँ पर जो शेफर्ड है वो सब लोगों को हम लोगों को गुमराह कर रहा है, और वो बताती है कि मैंने कोई भी उसके नहीं माने थे, बल्कि मुझे शेफर्ड का एक सीक्रेट पता पड़ गया था और वो नहीं चाहता था कि मैं उस सीक्रेट को किसी को बताऊं, तो उसने मुझको ग्रुप से अलग निकाल दिया। और वो ये भी बताती है कि यहाँ पर तुम्हारी माँ किसी बीमारी की वजह से इन्फेक्शन की वजह से मरी थी, ना कि तुम्हें जन्म देने के बाद, क्योंकि वो एक संत था और वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाएं, तो उसके कारण हमें तुम्हारी माँ की डिलीवरी यहाँ पर जंगल में ही करनी पड़ी, जिसके कारण उनको इन्फेक्शन हो गया और वो यहीं पर ही मर गई। अब दोस्तों शैला यहाँ पर जैसे इन बातों को देखते तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो देखते हैं कि साइड में से गाड़ी निकल रही होती है, और वो खुद को उस गाड़ी के अंदर एक दूसरे बच्चे के रूप में इमेजिन कर रही होती है, पर उसकी इमेजिनेशन यहाँ पर टूटती है कि जब वो एक लड़की को देखती है जिसको पेट में कुछ क्रैम्प्स मार रहे थे उसकी प्रेगनेंसी के कारण।
वो लड़की बहुत ही ज़्यादा दर्द से जूझ रही थी और वो चाहती थी कि अब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, पर यहाँ पर शेफर्ड के एक रूल्स के अनुसार उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, उसकी जंगल में ही डिलीवरी कर दी गई और जिसके कारण उस लड़की की मौत हो गई। उस लड़की को एक बेटा हुआ था और यहाँ पर सारी जो लड़कियाँ थी वो बहुत ही गुस्से में थी और वो चाहती थी कि शेफर्ड से कि वो उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया, पर शेफर्ड उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और अपनी उस वाइफ को आग लगा देता है। हम देखते हैं कि अब जो सारा होती है वो इतने ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, वो उसके बेटे को यानी कि उस लड़की के बेटे को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है उस ग्रुप से और चाहती है और वो नहीं चाहती थी कि वो उस ग्रुप में रहे। और उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि उस ग्रुप में सिर्फ एक ही लड़का हो सकता है जो कि शेफर्ड था, और उस लड़की पर भी लड़का हुआ था तो सारा उस लड़के को लेकर अपने साथ चली गई थी। पर सारा जाते जाते शैला को एक बात बताती है और कहती है कि जब तक तुम इस ग्रुप में हो इस ग्रुप की किसी भी लड़की के साथ अन्याय मत होने देना, और अगर तुम कोशिश करो तो इन लड़कियों को शेफर्ड के जाल से भी निकाल सकती हो। तो यहाँ पर सारा अपने पास चली जाती है अपने इस ग्रुप को छोड़कर, और हम देखते हैं कि यहाँ पर शेफर्ड जो है वो एक लड़की को मार रहा है जो कि उसी की ही एक बेटी थी। दोस्तों रीज़न ये था कि उस लड़की ने शेफर्ड को एक बात बताई थी कि वो चाहती थी कि वो लोग यहीं पर रुके और शेफर्ड नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई भी यहाँ पर रूल करे, तो वो उस लड़की को मारता है पीटता है। सारी लड़कियाँ उसका ये चीज़ देखती हैं, इस गलत चीज़ों को देखती हैं, और वो देखती हैं कि यहाँ पर जैसे वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं अपने नए इलाके पर, तो यहाँ पर शेफर्ड उन सभी लड़कियों को एक लेक में ले जाकर उन्हें प्योर कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर शेफर्ड जो है वो स्टेला के रूम में आता है और कहता है कि तुम भी मेरी जो वाइफ थी यानी कि जो तुम्हारी माँ थी उसी की तरह तुम खूबसूरत हो और तुम ही मेरी सबसे चहेती बेटी हो। वो इसे बात कहते कहते शेफर्ड के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, और हम लोग देखते हैं कि सुबह होती है और यहाँ पर स्टेला सारी लड़कियों को ये सारी बातें बताती है जो पिछली रात शेफर्ड ने उसके साथ करी थी। सारी लड़कियाँ ये बातें मानने के लिए राजी भी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो देखा था कि शेफर्ड अपनी बेटी को मार भी रहा था और रात को उसने स्टेला के साथ जो करा, तो सारी लड़कियाँ उस चीज़ को मान लेती हैं और वो लड़कियाँ शेफर्ड को मार देती हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो देखती हैं कि उनकी जो मदर है वो नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ पर बीच के किनारे पर जाते हैं और वो शेफर्ड को देखती हैं और उसके साइड में उनकी मदर्स के सारे कपड़े पड़े हुए थे। यहाँ पर दोस्तों शेफर्ड कहता है कि मैंने तुम्हारी मदर को एक उनकी आत्मा से उनकी जीवात्मा को छुटकारा दिला दिया है और उनको जन्नत में पहुँचा दिया है, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग लड़कियाँ मेरी वाइफ बनो ताकि मैं तुम्हें भी जन्नत में पहुँचा सकूँ। यहाँ पर ये सारी लड़कियाँ उसके जाल को समझ जाती हैं और वो यहाँ पर दोस्तों शेफर्ड को मारने की कोशिश करती हैं, पर शेफर्ड जो है वो गुस्से में आकर शैला को थप्पड़ मारता है और शैला भी अब यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाती, वो भी शेफर्ड को एक थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे पता पड़ गया था कि शेफर्ड ने उन सारी औरतों को मार दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स जंगल की तरफ से जा रहे थे जहाँ पर उनको एक लेक के किनारे उन्हीं औरतों की लाश यानी कि उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, और उनको शक हो जाता है कि ये सब शेफर्ड का क्रू है, और वो तभी शेफर्ड का जो बेस था पहला बेस था उस पर जाते हैं और देखते हैं कि उसको वहाँ पर शेफर्ड की लाश पड़ी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सारी लड़कियाँ जो है वो आज़ाद हो चुकी थी। तो दोस्तों यही मूवी का एंड है, मूवी को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब।